हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो सब दोस्तों। देखिए, लुमिनस का 1050 डेट सेट है ये, इको वाट। तो डेट सेट यहाँ पे बिल्कुल डेट है, यहाँ पे कुछ भी आप बैटरी से कनेक्ट करो, सप्लाई से कनेक्ट करो, यहाँ पे कुछ भी जो है हमको बता नहीं रहा है। तो देखिए, कवर वगैरह मैंने ओपन करके रखा हुआ है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने दो तीन वीडियो भी बनाया था इसके बारे में। देखिए, ये जो बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर को आप देख सकते हो यहाँ पे। कैपेसिटर जो है ऊपर से जो है फूल चुका है, यानी कि फूलने का मतलब ये है कि कैपेसिटर जो है लीक हो चुका है। यहाँ पे ये सेट का अंदर ये काम करने वाला नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इसका स्क्रू वगैरह सब कुछ निकाल दिया है। तो सेट को हम लोग बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल करके यहाँ पे जो है इन्वर्टर को हम लोग ठीक करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल सा जो है प्रॉब्लम है ये। यहाँ पे ये कैपेसिटर जब भी ख़राब होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाता है। तो जो भी है देखेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग जो है कैपेसिटर को चेंज करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल में पहली बार आए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने का साथ साथ जो है ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये कैपेसिटर जो है निकाल दिया है हमने, और ये देखिए 35 वोल्ट 1500 UF का कैपेसिटर है ये। तो ये दोनों को हम लोग जो है रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप समझ लीजिएगा, ये कभी भी आपका इन्वर्टर जो है डेड हो जाता है, और अगर आप देखेंगे बीच में जो फिल्टर बड़ा वाला कैपेसिटर होता है, सभी इन्वर्टरों में होता है, हीटिंग का बीच में होता है, माइक्रोटेक हो या एक्साइट हो जो भी हो, तो कैपेसिटर अगर फूला हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए वहाँ पे जी कैपेसिटर जो है ख़राब हो चुका है, यहाँ पे लीक हो चुका है, और यहाँ पे आपका सेट जो है काम करने वाला नहीं है, बिल्कुल डेड बताएगा यहाँ पे। तो ये कैपेसिटर हमने जो है लगा दिया है, सोल्डिंग वगैरह कर दिया है यहाँ पे। अभी जो है इसको जो है सेट में फिटिंग करेंगे, फिट करके हम लोग जो है चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको हमने चेंज नहीं किया है अभी, तो जो रिले के पास लगा होता है तो पहले चेक करेंगे, उसके बाद अगर नहीं चल रहे तो हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेट जो है बता नहीं रहे हैं यहाँ पे, अभी भी जो है डेट बता रहा है यहाँ पे, कोई रिले का जो ऑपरेटिंग का साउंड है नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हमने जो है सभी, ये देखिए ये रिस्टेंट जो आप देख सकते हो, इसको हम लोग चेंज करेंगे। अगर कभी भी ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर अगर फूल जाता है, लीक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो ये रिस्टेंट जो है हमेशा आपको चेक करना है। और कैपेसिटर चेंज करने के बाद अगर सेट भी उसके बाद भी अगर डेट बता रहा है, तो ये रेजिस्टेंस को आपको चेक करना है और रिप्लेस करके देखना है इसको, क्योंकि कैपेसिटर के साथ साथ जो है ये रेजिस्टेंस भी जो है ख़राब हो जाता है। तो ये देख सकते हो, बैटरी के साथ अभी कनेक्ट करने के बाद भी जो है ये फिर भी नहीं बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखें यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको भी हम लोग रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, रेजिस्टेंस जो है मेरा पास नहीं है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जो है एक तरह से आप फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है, ये फ्यूज़ की तरह काम करता है। तो एक बहुत ही पतली सी कॉपर वायर से जो है मैंने इसको जो है सोल्डरिंग कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, और उसके बाद जो है यहाँ पे बैटरी का साथ कनेक्ट कर रहे करते ही जो है हमको जो है बीप का साउंड भी आने लगा है और रिले का साउंड भी आने लगा है। तो यहाँ पे अभी देखिए हम लोग इसको निकालेंगे, फिटिंग करेंगे सेट में जो है इन्वर्टर में फिटिंग करके इसको चेक करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये कैपेसिटर अगर ख़राब होता है, आप चेंज कर रहे हो, तो ये दो रेजिस्टेंस को आपको हमेशा चेक करना है, दोनों में से कोई भी अगर ख़राब होगा तो आपका जो है सेट जो है आप कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी वहाँ पे जो है बिल्कुल डेट ही बताएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेट को हमने लगा दिया है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, आउटपुट भी देने लगा है, यहाँ पे मेंस भी दिखाने लगा है, यहाँ पे चार्जिंग भी बताने लगा है, यानी कि इन्वर्टर जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो है सही हो चुका है।